सहरसा बिहार जिला ब्यूरो मोहम्मद इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। चचेरे चाचा ने भतीजे को गोली मारकर किया घायल। सहरसा जिले के सलकुआ थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में चचेरे चाचा ने भतीजे को गोली मार दिया। गोली मारने की वजह भूमि विवाद बताया जा रहा। पिछले वर्ष इसी विवाद को लेकर जख्मी के पिता पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया गया था। संयोगवश गोली नहीं लगी थी। जख्मी नवीन कुमार को इलाज के लिए सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली युवक के कंधे से नीचे लगी है। जख्मी नवीन कुमार के पिता माणिक यादव ने गोली मारने का आरोप उसके चचेरे चाचा आनंदी यादव पर लगाया है। उन्होंने बताया कि नवीन सुबह मवेशी को चारा डाल रहा था, उसी वक्त आनंदी यादव ने उस पर गोली दाग दिया। गोली लगने के बाद नवीन गिर गया। घटना के बाद आनंदी यादव हथियार लहराते हुए पूरे खानदान को खत्म करने की धमकी देते हुए जा रहा था। पिछले वर्ष भी उसने उसके पति माणिक यादव पर भी गोली चलाकर जान लेने की कोशिश की थी। सलकुआ थाना की पुलिस ने आरोपित आनंदी यादव को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुट गई है। दुआ पर सुत के उठ ले, बंगला में सुतल रहे, सुत के उठ ले, दुआ पढ़े ले, दुआ पर खड़ा रहे, खड़ा अल अपना छे पड़ोसी अपना दुआ पर से अल मलिक के अकरा गोली ठोक दिल के रहे जी। केकरा गोली लगल? हमरा बचवा के नवीन कुमार के मारल के गोली। आनंदी यादव कोई विवाद रहे पहले से? पहले के जगह जमीन के 10 बरस पहले के विवाद रहे। के नाम छो? हमर नाम मानिकलाल यादव।